बस आने ही वाला है। आप सभी 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन उत्साह और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है। आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें, हां सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। आज जब वायरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी चुनौतियों का सामना करने की ताकत और आत्मविश्वास भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारी इनोवेटिव स्पिरिट भी बढ़ रही है। आज देश के पास 18 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, 1,40,000 आईसीयू बेड्स हैं, आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड्स को मिला दें तो 90,000 बेड्स विशेष तौर पर बच्चों के लिए भी हैं। आज देश में 3,000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं, 4,00,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स देश भर में दिए गए हैं। राज्यों को जरूरी दवाओं की बफर डोज तैयार करने में सहायता की जा रही है।